हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल टेस्ट ऑफ द जोश। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं एमजे अख्तर। आज बनाते हैं इंस्टेंट पिज्जा। इंस्टेंट पिज्जा में होममेड कुछ भी नहीं होता, सब चीज मार्केट का बना हुआ होता है और मार्केट से में इजी अवेलेबल है हर चीज। आज चलते हैं इंस्टेंट पिज्जा बनाते हैं। इंस्टेंट पिज्जा के लिए भी कुछ इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है, जो मैंने यूज़ किया है। पनीर यूज़ किया है, टमाटर यूज़ किया है, ओनियन की ग्रीन कैप्सिकम और ये चीज़ जो है ग्रेटेड चीज़ है। आप स्लाइसिंग करके भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है टॉपिंग के लिए जो है ये वीवा का जो है पिज़्ज़ा टॉपिंग है, उसको मैंने यूज़ किया है। आप अगर अवेलेबल है तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर टमाटो सॉस यूज़ कर सकते हैं, इजी मार्केट में अवेलेबल है। तो चलते हैं इंस्टेंट पिज़्ज़ा आज तैयार करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये पिज़्ज़ा ब्रेड लिया है, पिज़्ज़ा ब्रेड मार्केट में इजी अवेलेबल है। इस पे जो है एक चम्मच पिज़्ज़ा टॉपिंग सॉस डाल दीजिए और इसके ऊपर अच्छे से लेयरिंग कर दीजिए। अच्छे से चारों तरफ इसको फैला दीजिए। इसको ज़्यादा मत लगाइएगा, क्योंकि ज़्यादा लगाने के बाद जो है ब्रेड की अच्छे से सिकाई नहीं होती है, तो एक चम्मच काफ़ी है। टमाटो सॉस भी एक चम्मच यूज़ कीजिएगा। बिल्कुल तैयार हो गया, ग्रेटेड चीज़ डालेंगे। चीज़ की लेयरिंग हो गई है, अब जो है टमाटर की लेयरिंग करेंगे। अच्छे से इसको थोड़ी सी अच्छा देखने के लिए मेकअप भी तो करना ज़रूरी होता है ना, तो थोड़ा सा मेकअप करते हैं अच्छे से। आप जो है रफली चॉपिंग भी डाल सकते हैं, आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप डालना चाहते हैं। ग्रीन कैप्सिकम, इस तरह से लेयरिंग कर दीजिए। अब इसके बाद कुछ जगह पे ऑनियन डाल दीजिए। ऑनियन को जो है रफली भी चॉप कर सकते हैं। उसके बाद पनीर का जो है क्यूब जगह पे जगह डाल दीजिए। ठीक है, देखकर ही मन में भूख का एहसास हुआ। पिज्जा की लेयरिंग बिल्कुल तैयार है। आप इसको कढ़ाई में भी तैयार कर सकते हैं या फिर माइक्रोवेव में भी तैयार कर सकते हैं। माइक्रोवेव में ऑलरेडी एक ऑप्शन है पिज़्ज़ा का, उस ऑप्शन को यूज़ कीजिए और पिज़्ज़ा तैयार। तो चलते हैं माइक्रोवेव की तरफ और इसको पकाते हैं। बिल्कुल पिज़्ज़ा तैयार है, इसकी कटिंग कीजिए। अब बिल्कुल कटिंग भी हो चुकी है, क्योंकि पिज़्ज़ा के फील तो कटिंग होने के बाद ही आता है। अब इस पर जो है चिली फ्लेक थोड़ी डाल दीजिए। आप इस पे जो है ओरिगैनो सीजनिंग भी डाल सकते हैं। वैसे ये बिल्कुल तैयार है, कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। और चीज़ का जो है लेस देखिए, कितना अच्छा तार जो है बना है चीज़ का, तो बिल्कुल तैयार है। इसके साथ जो है बस कोल्ड ड्रिंक तो होनी चाहिए ना, आइस क्यूब और कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में वैसे मैं कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करता हूँ, और अगर पीता भी हूँ तो कोशिश ये करता हूँ ब्लैक कलर का कोल्ड ड्रिंक ना पीऊँ। तो मैंने लिमका यूज़ किया है। बिल्कुल पिज़्ज़ा आपके लिए बिल्कुल पिज़्ज़ा तैयार है, और इसको अपने घर में ट्राई कीजिए और अपने फैमिली के साथ इस रेसिपी को इंजॉय कीजिए। हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।